एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तालाब में मिला माँ बेटी का शव। नागपुर के गांधी सागर तालाब में शनिवार को एक महिला और दूध मुही बच्ची का शव मिलने से खलबली मच गई, लेकिन दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि देर रात एक परिवार गणेश पेट थाना पहुँचा, लेकिन फोटो में दोनों की पहचान कर पाना संभव नहीं था, इसलिए मंगलवार की सुबह बच्ची और माँ का शव उन्हें दिखाया जाएगा। सोमवार की सुबह स्थानीय नागरिक गांधी सागर तालाब परिसर में सैर कर रहे थे, इसी दौरान एक महिला की लाश पानी में दिखी। नागरिकों ने वहां मौजूद गोताखोर जगदीश खरे को जानकारी दी। खरे ने पुलिस को सूचित किया। महिला की लाश के पास एक बच्ची का शव भी दिखाई दिया। खरे की मदद से पुलिसों ने दोनों का शव बाहर निकाले, लेकिन मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। तालाब के किनारे केवल महिला की चप्पल ही दिखाई दी। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल में भेज दिया है। आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर सोशल मीडिया के जरिए दोनों की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है। रात 10 बजे के दौरान एक परिवार महिला और बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत लेकर गणेश पेट थाने पहुंचा। उन्हें महिला और बच्ची के फोटो दिखाए गए, लेकिन परिजन फोटो में दोनों की पहचान नहीं कर पा रहे थे। मेडिकल का शव विच्छेदन कल बंद होने के कारण अब मंगलवार को उन्हें दोनों की लाशें दिखाई जाएंगी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।